चौबनपुर में श्रमिक एक्सप्रेस में सवार दर्जनों मजदूर मुसाफिरों ने स्टेशन पर लगे फूड वेंडिंग मशीन को अपना निशाना बनाया और उसमें रखे खाने पीने की चीजों को लूट लिया। दरअसल बेंगलुरु से शुरू होकर हाजीपुर जाने वाली गाड़ी को जैसे ही जबलपुर स्टेशन पर कुछ समय के लिए रोका गया था, इसी बीच उसमें सवार सैकड़ों की तादाद में खाने पीने की सामग्री के बंटने का इंतजार कर रहे मजदूर खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं होने से स्टेशन पर लगी फूड वेंडिंग मशीन पर उन्होंने धावा बोल दिया और उसे तोड़कर खाने पीने की चीजें लूट ली। इस खबर के बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस से लेकर आरपीएफ के जवान मौके पर तो पहुंचे, लेकिन तब तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। फिलहाल रेल महकमा इस घटना पर नरम रुख अख्तियार कर रहा है, लेकिन वेंडिंग मशीन के कर्मचारी ने जीआरपी थाने में शिकायत कर नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की है। वेंडर मशीन कर्मचारी का कहना है कि दो दिन पहले हुई इस तोड़फोड़ में उसकी कंपनी का 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं जीआरपी ने वेंडर मशीन कर्मचारी की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जीआरपी पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच करेगी और उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं लाना सामान यार सब फूट वाला बहन का कर देंगे। लूट ललके कोई नहीं लूट ललके उसे लूट जी। आज अभी जीआरपी थाने आए हैं आप, क्या समस्या आ रही है? सर मेरी 10 एवीवीएम मशीन है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है गोयल एंड गोयल के नाम से, जो कि स्टेशन में सारे प्लेटफॉर्म में एक एक दो दो पांच ऐसे उपस्थित हैं, जो कि ऑटोमेटिक पैसे डाल के ऑटोमेटिक सामान निकालने के लिए उपस्थित हैं सारे इस प्लेटफॉर्मों में। किंतु लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते मैं आ नहीं पा रहा हूँ, देख रेख हो नहीं पा रही है और सारी मशीनें अभी मुझे कल वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ है श्रमिक एक्सप्रेस का, जिसमें अपनी एक एवीएम मशीन, मेरी एक एवीएम मशीन पे सारे जो मजदूर हैं या जो भी यात्रीगण हैं वो निकाल के जबरदस्ती मशीन को क्षति पहुंचा करके पूरा सामान निकाल करके ले जा रहे हैं। और फिर जैसे ही मैं आज आया यहाँ स्टेशन आया अपना, सब लॉकडाउन से निकल के मैं खुद क्वारंटाइन एरिए में रहता हूँ, जैसे निकल के यहाँ पर पहुँचा हूँ और देखा तो मेरी सारी मशीनें 9 की 9, 10 में से 9 मशीनें क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें से माल नहीं है और टोटल एक मशीन में 20 से 22 हज़ार समथिंग का माल आता है और 9 मशीनों में मेरा माल नहीं है सर। लगभग कितना का लगभग अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास, 1,85,000 2 लाख के आसपास मेरा नुकसान है। मशीनों का जो नुकसान हुआ वो अलग से, कांच तोड़ दिए गए हैं, फ्रीजर तोड़ दिए गए हैं, लाइट्स डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। क्योंकि माना जाए कि अभी प्रवासी जो श्रमिक ट्रेन आ रही हैं और जो रेल पुलिस बल जो है मौके पर हमेशा तैनात रहता है, तो इतनी ये एक लापरवाही मानेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी मशीनें? लापरवाही इसको तो मैं एक प्रकार से लापरवाही भी मान सकता हूँ सर, क्योंकि सामने रहते अगर इसको जो मशीन जिसमें मैं अभी आप जिसका वीडियो वायरल हुआ है वो तो सीढ़ियों के जस्ट पास में है, वहाँ से अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें देख रेख होती हैं और हमेशा पुलिसकर्मी ऐसे, मतलब अंदर टाइम पे तो मैंने देखा वहाँ पुलिसकर्मी, लेकिन इस टाइम पे नहीं देख रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है शायद हमारी सुरक्षा नहीं की जा रही है या तो वो कहीं और ज़्यादा बिजी हैं। अभी आप कहाँ पे आए हैं? सर अभी मैं जीआरपी थाने में आया हूँ, उसका आवेदन देने आया हूँ जो नुकसान हुआ है मेरा। तो दे दिया है अपना आवेदन? बस आवेदन देने जा रहा हूँ, बस आवेदन दे दूँ, अभी यहाँ पे मौके पे ड्यूटी ऑफिसर नहीं है, जैसे ही आते हैं तो उनको आवेदन दे करके आगे की कार्रवाई करूँगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विमल अखबार है। कहाँ रहते हो? जबलपुर हनुमान ताल। जो वायरल हुआ है जिसमें जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जो मजदूर हैं वो जबलपुर जो स्टेशन में प्लेटफॉर्म है उसमें जो ईवीएम मशीन है खाने की सामग्री को लूटते हुए दिखाया गया, तो क्या है सर ये पूरा मामला और आवेदन भी दिया गया है? अभी थाना जीआरपी जबलपुर में आवेदक जो है विमल राय कुमार, इसकी जो है दुकान है प्लेटफार्म में गोयल एंड गोयल की मशीनें लगी हुई हैं, बिस्किट पानी आदि का सामान लगा रहता है,
उसमें एक लिखित आवेदन पेश किया है कि मेरा जो है सामान उसको मशीनों को तोड़ करके दिनांक 14/5/20 को श्रमिक एक्सप्रेस के यात्रियों द्वारा जो है चोरी कर लिया गया है। की सूचना पर से मुझे जब सूचना प्राप्त हुई तो मैंने उच्च अधिकारियों को हालात से अवगत कराया है और इसके अमर आवेदक पत्र की मैंने कर ली है और उच्च अधिकारियों को बताया है और इसकी जांच की जाएगी। सर कितनी मशीनें ऐसी टूटी हुई नहीं हमारे पास तो अभी एक ही मशीन के संबंध में जानकारी आई है। लगभग कितनी मशीनें बताई गई अपने पास? एक तो एक ही है मशीन जी, नौ मशीनों का है। नौ मशीनों का जी। और इसने जो है आज जो है हमारे यहाँ आकर के आवेदन पत्र पेश किया है, जांच कर वैधानिक कार्रवाई की है। सर आपका सहयोग हेड कांस्टेबल कैलाश भाई। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।